नमस्कार। तो एक बार फिर स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम में। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। मुद्दा वही है, हफ्ते भर पुराना, लेकिन आज जो अपडेट आया है वो काफी लोगों को झकझोर देने के लिए काफी है, क्योंकि पहली दफा ये देखा गया है कि मंत्री जी हैं जिनका पद मंत्री का है, उनका नाम है अजय मिश्रा, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनका पद है कि हत्या के मामले में अब वो आरोपी हैं। तो दोनों लोगों के अपने अपने पद हैं, एक बाप हैं, एक बेटे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इतिहास में ऐसा देखा है कि मंत्री के बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना का उनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ, ऐसा कभी आपने सोचा या देखा? तो आज का मुद्दा यही है कि किसान और बीजेपी की रार, मंत्री जी का बेटा फरार। ये सवाल बड़ा है क्योंकि 300-2 का मुकदमा उनके ऊपर चढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो लखनऊ पहुंच गए। लगातार पुलिस उनके घर के बाहर नोटिस पर नोटिस दाग रही है और वो जवाब ना देना पसंद कर रहे हैं। वो लखनऊ पहुंच गए। क्या सरकार को, सरकार में रहते हुए या फिर सरकार के बाहर से या अंदर से काम कर रहे लोगों को ये सब चीजें शोभा देती हैं? बाकी हर चीज अलग है, लेकिन क्या जो लोग जांच से बचने के लिए इस तरीके से फरारी का जो नाटक कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या वो ठीक हो सकता है कभी भी? तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। प्रदीप भटनागर साहब हैं, नेता बीजेपी हैं, सुनील बालियान साहब हैं, किसान समर्थक हैं। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। ठीक है, बहुत सुंदर छवि आ रही है आप दोनों ही लोगों की। प्रदीप भटनागर साहब, सबसे पहले तो आप पर ही आऊंगा। प्रदीप भटनागर साहब, ये बताइए कि छोड़िए विपक्ष को, आज विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाया, किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया, सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि विपक्ष की बात छोड़िए, हर चीज छोड़िए, अरे भैया अब तो थोड़ी सी नीयत साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या 302 का मुकदमा किसी और पर लग जाता तो भी आपका रवैया यही रहता? नोटिस पर नोटिस चिपका रहे हैं। कल तक जो शख्स मीडिया के सामने आकर बाइट पर बाइट दे रहा था, वो आज पुलिस के सामने जवाब नहीं दे पा रहा। चौहान जी, मैं शुरू करूं बोलना? बिल्कुल बिल्कुल। चौहान जी, मैं थोड़ा संज्ञान पे दे दूं, आपको अपडेट कर दूं, कल वो खुद अपने आप पेश हो जाएंगे। उनके बेटे जो है, चीज हो गई है कि तबियत ना ठीक होने के कारण वो नहीं आ पाए, कल वो पेश हो जाएंगे। कल पहले चीज तो मैं आपको, आज क्यों नहीं पेश हुए? दूसरी चीज, अरे मनमौजी चल रही है क्या? 302 का मुकदमे का आरोपी है कोई शख्स, कल पेश हो जाएंगे साहबजादे? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आज काहे नहीं पेश हुए? आप जो मर्जी कह सकते हैं, साहबजादे बोले, जो मर्जी बोले, मैं नहीं, आप कह रहे हैं कि कल वो पेश हो जाएंगे। अरे भैया एहसान नहीं करेंगे पेश होके? पेश नहीं होंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, पेश नहीं होंगे तो पुलिस वहीं जाकर पकड़ लेगी, पेश नहीं होंगे तो पुलिस वहीं जाकर पकड़ लेगी। कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, नेशनल अवार्ड जीत देने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है कल सुबह उन्हें, वो छोड़िए। ये बताइए कि आज मिलना था, आज पूछताछ के लिए जाना था, आज क्यों नहीं गए, लखनऊ क्यों पहुंच गए, क्या सिफारिश लगवा रहे हैं वो? देखिए अजय मिश्रा जी ने जो आपको, जो मुझे अपडेट मिली है वो अपडेट मैंने आपको बताई है, ना तो मैं कुछ समर्थन कर रहा ना मैं बता रहा हूँ पहले चीज। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, जैसे हम आज डिबेट में बैठे, मैं चाहूंगा या मैं हूँ या आप, हम सब हैं, एक दूसरे का मिसबिहेव या बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। सबको बोलने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, किसी पे कोई बदतमीजी हावी कर होके ना दिखाए, मेरा निवेदन पहले तो यही करूंगा सबसे। मैं आपको किसने कहा डरा दिया? सभी तरीके से जो चल जाए, प्रवक्ता जो बैठे हैं, तो सभी तरीके से जो चीजें चल जाए अच्छी बात है। मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ, हर बात का जवाब दूंगा मैं पहले। ठीक है, हम आज रात की और तैयारी है। क्या तैयारी है? सेटिंग कर रहे हैं और आप सबूत के साथ छेड़छाड़, सेटिंग, कौन सी तैयारी? आप कुछ भी कह सकते हैं, आपने कहा तैयारी कर रहे हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं? नहीं साहब, इतने नहीं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कौन सी कर रहे हैं आप? हम कायदे कानून वाले लोग हैं, तैयारी कुछ नहीं है, कल आपके सामने पेश हो जाएंगे आशीष जी। प्रदीप जी, अभी तो आपने कहा कि तैयारी कर रहे हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं? थोड़ा सा ठीक है प्रदीप जी, आप तो देखिए हमेशा खुलकर बोलते हैं, फ्रेंकली जब भी हमारी आपकी बात होती है बहुत फ्रेंक होती है। आपने कहा तैयारी कर रहे हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं? देखिए तैयारी की बात ये है, उन्हें जो तबियत ठीक नहीं है कल वो पेश, खुद कानून के आगे खुद ही पेश। तबियत ठीक होने के लिए कौन सी तैयारी चाहिए होती है? दवाई खानी होती है, तैयारी कौन सी होती है? अब सर थोड़ा बहुत तो रुकना पड़ेगा ना चौहान साहब, इतना भी बेसब्रा नहीं होना चाहिए, भाग के तो कहीं जाएंगे नहीं वो। नहीं, आप तैयारी पर थे, तैयारी रुकना कैसे पड़ेगा? प्रधानमंत्री तक जेल गए हुए जो, देखिए आप, हम बैठ के किसी को अपराधी नहीं बोलेंगे, ये कानून का काम है, कोर्ट का काम है। अच्छा, और हमें आपको शोभा भी नहीं देता किसी पे एलिगेशन लगाना, और हमें आपको शोभा नहीं देता एकदम डिसीजन सुनाना। अच्छा, कचहरे का काम है, कुछ डिसीजन सुनाएंगे क्लियर मैच। अच्छा, तो किसी के बारे में बात ही ना करें, डिबेट क्लोज डाउन कर दें अभी तुरंत ही, शोभा ही नहीं देता? नहीं, हम आपको बिल्कुल, आप डिबेट कीजिए, बाकी आपकी इच्छा। नहीं, आप ही ने कहा कि मंत्री जी के बेटे साहबजादे हैं, ऐसे शोभा नहीं देता, आरोप लगाना शोभा नहीं देता, तो खत्म कर देते हैं भैया। चलिए नमस्कार भैया, किसान समर्थक साहब।
यहीं रोक देते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि शोभा ही नहीं देता, किसी को पर एलिगेशन लगा ही नहीं सकते। वीडियो आ रहे हैं मंत्री के बेटे की गाड़ी बकायदा किसानों को कुचल रही है और प्रदीप जी कह रहे हैं कि शोभा नहीं देता। भैया बोल मत देना बिल्कुल भी। और गाड़ी में बड़ा, देखिए चौहान साहब, मंत्री का बेटा और गाड़ी में बड़ा फर्क है, ठीक है। ऐसा आपको एक बहुत, आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूँ प्रदीप जी, बहुत छोटी सी एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे। एक एक मिनट बस दीजिए प्रदीप जी, अगर मेरी या आपकी गाड़ी हो और उससे कहीं पर भी कोई घटना हो जाए, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आप ये मत सोचिएगा कि पुलिस उस गाड़ी को लेकर घूमती रहेगी, आपके घर तक नहीं आने की जहमत उठाएगी। सबसे पहले घटना हुई है, आधे घंटे के अंदर पुलिस सबसे पहले आपको उठाकर चौकी कोतवाली में टांग देगी, समझे आप। पूछताछ शुरू हो जाएगी आपसे कि गाड़ी मत समझिए किसकी, गाड़ी कैसे ले गया, गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी में कौन कौन था, कुचलने का वीडियो सामने है, आप तैयारी में लगे हुए हैं, आप बता रहे हैं। वो कल सुबह 11 बजे आएंगे, आज तैयारी कर रहे हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम कानून लखनऊ से फोन आएगा, तैयारी करेंगे। 302 लगे, 307 लगे, चाहे फांसी हो, हम आप तो तय करेंगे नहीं। और हम आप जो कानून के सिस्टम और दायरे में रहने वाले हैं, हमें उसमें ही रहकर चलना पड़ेगा। और हमने तो उन्हें भी देखा जो कानून को हाथ में लेके जिन्होंने लाठी डंडों से चार लोग और मार दिए, और उस राजनीतिकरण के अंदर तीन के परिवार से तो चारों के तो मिला जाता, मगर बाकी जो चार मारे गए उनसे नहीं मिला जाता। हमने वो भी राजनीतिकरण देखा है। बाकी मैं समझता हूँ चौहान साहब आप भावुक है, और भावुकता से बहुत, अगर आप भावुक नहीं है तो गलत चीज है। अगर आप भावुक नहीं हो रहे हैं, अगर ये तस्वीरें देखकर जहां पर 9 लोगों की मौत हो गई, अगर आप भावुक नहीं होते, आप नहीं भावुक हो रहे, तो ये आपकी गलती है। मैं तो भावुक हूं, मैं तो बता रहा हूं। हमारे देश के चार किसान कुचल के मार दिए गए एक मंत्री के बेटे की गाड़ी के द्वारा, और उसके साथ ही चार लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसमें हमारी बिरादरी का पत्रकार भी मौत के घाट उतार दिया गया। मैं भावुक हूं, आपकी भावनाएं मर चुकी हैं, तो आपको मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, आप चार जनों की संवेदना जताइए, बाकी चार तो किसी के बेटे। मैंने 9 लोगों का नाम लिया, मैंने 9 की बात, चार बोला आप अपने, मैंने चार किसान बोल चुके, चार किसान, चार बीजेपी समर्थक और एक पत्रकार। आप आज की आप संख्या को 8 को क्यों नहीं बराबर बोल रहे हैं? आप 9 बोलूंगा मैं आपको, 4, 4 और 1, 9 लोग। फिर अभी तो आपने संख्या ठीक करी, आप पहले 4 और 4 ही कर रहे थे आप पहले। ये जो सिद्धू जी जाके बैठे हैं एक पत्रकार के घर, क्या और चारों के घर और जो चार लोग मरे वो इंसान नहीं है, वो किसान के बेटे नहीं है? आप किन के घर जाकर बैठे? अरे हम तो जिसके घर जाकर बैठे, हम तो जो न्याय के लिए लगे, वो तो लगे हम जो राजनीति कर रहे हैं। आप किन के घर जाकर बैठे? चलिए सिद्धू उनके घर जाकर बैठे, आप किसके घर जाकर बैठे? आपके तो खुद के कार्यकर्ता पीट पीट कर मार दिए गए, आपने क्या कर लिया? वही तो कह रहा हूं, कौन सी गिरफ्तारी कर ली आपने? आप तो खुद बचाव में लगे पड़े, खुद आपके मंत्री भागे भागे फिर रहे, खुद मंत्री का बेटा लखनऊ, फिर मुख्यमंत्री का बेटा, वो जो बब्बर खालसा की जो टी शर्ट पहने घूम रहे थे, जो लाठी डंडों से, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? ठीक है, बब्बर खालसा की टी शर्ट पहने थे इसलिए कुचल दिया, न्यूज चैनल बना के उस पर डिबेट करेगी? ठीक है, बब्बर खालसा की टी शर्ट पहने थे इसलिए टक्कर मार दी? नहीं, ये आप गलत पॉइंट ना निकालें बिल्कुल भी। आप चीज़ अभी चीज़ तो आपने बोला, मैं यही कहना चाहता हूँ अगर न्याय बात की जाए तो सबके बारे में की जाए, ठीक है, तो जरा मीडिया को भी और आपके चैनल को भी अच्छा लगे, ठीक, जितने लोग इस घटना के अंदर मारे गए, चाहे वो 8 या 9 है। किसान भाई एक मिनट रुकिए, आप तो बड़े आदमी है, रुकिए, ठीक है। तो क्या कल 11 बजे सुबह आकर पूछताछ के लिए जाएंगे? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सुनील बालियान साहब, एक मिनट, आपको समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। तो प्रदीप भटनागर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा जो हैं वो कल पूछताछ के लिए जाने वाले हैं, पुलिस के सामने पेश होंगे? मैंने कहा जी चौहान जी कल पेश हो जाएंगे सुबह, और हो सकता रात को पेश हो जाए। अच्छा, अपडेट आपके पास आ जाएगी, ठीक है, आपसे जल्दी अपडेट हमारे पास भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, चलिए सुनील बालियान साहब जी, क्या हाल है पहले तो ये बताइए, गाजीपुर बॉर्डर कर क्या माहौल? हाल चाल बहुत बढ़िया है जी, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है, ना स्टैंड ही है आज पास में, और लीड भी नहीं है, तो मैंने सोचा प्रदीप जी से कल बात पूरी नहीं हो पाई थी तो आज बात कर लें। करिए, बात करिए। सबसे बड़ी बात यही है, ये देखिए कि पूरे देश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको खोज रही है। लोग बता रहे हैं कि मंत्री का बेटा नेपाल पहुंच चुका है, इनके पास इतनी बड़ी अपडेट है कि ये बता रहे हैं कि या तो आज रात को पेश कर देंगे या सुबह पेश कर देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बार नोटिस इनके यहाँ पे चिपका लिए, उन 2-2 बार के नोटिस की अवहेलना की गई, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है? और जब वो घर में छुपा बैठा है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है?
अरे आपके नेता भी तो वहीं बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत साहब भी तो वहीं हैं। राकेश टिकैत साहब ने तो कह दिया ना आपसे कि रुक जाओ भैया, 7-8-10 दिन शांति बनाए रखो, आप लोग शांत रहिए। बात वही है, टिकैत साहब भी आज गाजीपुर बॉर्डर पर ही है और टिकैत साहब ने एक ही बात कही है, जिस दिन का भोग है उस दिन के बाद आंदोलन करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या समस्या है? ठीक है, आपको क्या समस्या है? आपकी तो सरकार से बात हो रही है, पूछना चाहता हूँ। आपकी तो अंदर खाने सरकार से बात चल रही है, पूछना चाहता हूँ। आपने तो बैठ कर सारा मामला वही सुलझा दिया पहले दिन दूसरे दिन। अगर एक व्यक्ति 302 के मुकदमे में मर्डर के अंदर नाम आया हुआ है, नाम दर्ज रिपोर्ट है, तो क्या उसके पिताजी को नहीं उठा सकती पुलिस? क्या उसके घर वालों को उठा करके ले जाएगी? अगर कोई साधारण व्यक्ति और उसका मर्डर में नाम आ जाए, 302 में नाम आ जाए, तो अड़ोसी पड़ोसी तक उठा के ले जाते हैं। जो बीजेपी समर्थकों की, बीजेपी समर्थकों की, ठीक है, बीजेपी समर्थकों की जिन्होंने पीट पीट कर हत्या करी, उनके नाम जरा आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ ताकि फिर वो पुलिस को भिजवा दूंगा तो आसानी रहेगी, समस्या हल हो जाएंगे। उनके जो पीट के मरे हैं, हमारे हिसाब से तो कोई पीट के नहीं मरे। देखिए, जब अगर चींटी पर भी दबाव आता है ना, आप दोनों ही लोगों की आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं। आपको इधर की हत्याएं दिखती हैं, उनको उधर की हत्याएं दिखती हैं। आप दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जिन लोगों की पीट पीट कर हत्या की गई है, किसने की है, नाम से आप पहचान पाते हैं, शक्लों से आप पहचान पाते हैं, हाँ तो नाम बताइए। अगर आप चींटी के झुंड में भी हाथ लगाओगे तो चींटी काटेगी। अच्छा, तो आपने बीजेपी का झुंड पर हाथ क्यों लगाया? चींटी काट कर चली गई लोगों ने। ऐसे अगर आप बोलेंगे, आपकी बातों को आप ही पर समर्पित कर देता हूँ। आपने कहा कि झुंड पर हाथ लगाएंगे तो चींटी काटेगी, तो आप बीजेपी के जो रैली हो रही है उसमें आप कर रहे थे, तो उस झुंड में से चींटी आपको काट कर चली गई, बताइए। जो लोग आदमी गाड़ी लेकर भाग रहे हैं, जो गाड़ी लेकर दौड़ रहे हैं, मुझे तो एक बात और बता दो, जब एक आपने उनको क्यों पिन की? आपके ही शब्दों की बात रख रहा हूं, आपने उनको क्यों पिन करी? आप कह रहे हैं ना कि झुंड को अगर उंगली करोगे तो वो इसी तरीके से करेंगे, तो उनका भी झुंड है, आपने उसका क्यों पिन किया? अरे एक बात तो बताओ ना, जब हमारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देंगे। अच्छा गुरु, मीठा मीठा चप चप, कड़वा कड़वा थू थू, एक बात बताइए। हाँ, मेरी भी तो एक बात सुन लीजिए। हाँ, एक बात सुन लीजिए। हाँ, जब एक व्यक्ति को किसानों ने जिंदा पुलिस को दे दिया, हाँ, तो उसके जंगल में लाश मिलने का क्या मतलब है? अच्छा, ताकि ये वो पूरा प्रशासन की पूरी सेटिंग है, ताकि क्रॉस केस हो जाए, सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं लोग। अच्छा, और इन्हें सारी चीज का पता होता है, इसीलिए स्क्रिप्ट राइटर थे पहले, अरेस्ट हो जाएगा नहीं तो सुबह अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, घटना के बारे में आपको कुछ जानकारी है पहले? थोड़ी मेरे पास आपकी आवाज। ये आपसे किसने कहा? कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में आपने पढ़ा? आपने कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में ये पढ़ा कि वहां पर किसानों ने एक आदमी को जिंदा पुलिस को सौंप दिया था प्रशासन को, बाद में उसकी लाश मिल गई? मैंने पढ़ा, मैं वहां पे गया हुआ था, मैं 3 तारीख की रात को वहां पे पहुंच गया था, मैं टिकैत साहब के साथ था वहीं पे। अच्छा, ठीक है, और वहां से जिस आदमी को उससे पहले की वीडियो देखना, जो उसके ट्रॉली के अंदर आदमी को पकड़ाया गया है, हाँ, और उसके बाद उसकी लाश जंगल में मिलती है। अच्छा, ठीक है, कौन सा तरीका है? ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी नेट की सेवा शुरू नहीं हो पा रही है, अभी बहुत सी वीडियो आएगी और जिनको छुपा। अरे इंटरनेट की सेवा शुरू नहीं हो पा रही, आप वहीं से आ रहे हैं, काहे मजाक कर रहे हैं? आप लखीमपुर खीरी से आ रहे हैं, आप वीडियो लेकर नहीं आए? गोली के खोखे दीजिए वीडियो, आप वीडियो लेकर आए हैं लखीमपुर? अरे आज सुबह के अखबार न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए आप सुबह का। अरे न्यूज़पेपर काहे पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, आप दीजिए मुझे, यहीं चलवा देता हूँ, सुबह तक का वेट क्यों करना, अभी दीजिए जी हिंदुस्तान का आज का अखबार। अरे मुझे किसी चैनल से कोई मतलब नहीं है, आप हमें दीजिए। गोली का खोखे मिले वहां से, गोली जब उनका लड़का नहीं था वहां पे, तो गोली कहां से चल गई? गोली तो चलाई उन लोगों ने। आज प्रशासन में बैठ करके चाहे कितनी बड़ी तानाशाही कर लो, ये लोग चलेगा उस चीज का? अगर मंत्री जी इतने बढ़िया थे तो सबसे पहले अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मेरा लड़का वहां था नहीं। इस्तीफा तो दे नहीं रहे हैं लोग, बैठ करके बैठे अपने सीट को घेरे। इस्तीफा दे दे, कृषि कानून वापस कराने से मतलब नहीं है आपको, MSP से मतलब नहीं है आपको, बस बीजेपी सरकार के मंत्री इस्तीफा दे दे, बीजेपी सरकार गिर जाए। आप है क्या, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आप उनकी बोली बोल रहे हैं? लड़ाई हम 11 महीने से आप उनकी, अच्छा ठीक है, वो लड़ाई खत्म हो गई, अब आप विपक्ष की बोली बोलेंगे? लड़ रहे हैं हम लोग, अब आप विपक्ष की बोली बोल रहे हैं? विपक्ष की बोली हम नहीं बोल रहे, विपक्ष की बोली तो ये सब लोग बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं टिकैत साहब कैसे चले गए, बाकी नेता क्यों नहीं जा पाए? बाकी नेता सारे अपने घर में पड़ करके ना आराम से सो रहे थे, रात को टिकैत साहब सारी रात सोए नहीं, पूरी रात 4:30 बजे हम वहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, और जहाँ बैरिकेड लगे हुए थे हमारे किसान वहाँ पहुंच चुके, समय पता था कि हम रास्ते में जा रहे हैं। हमने रात नहीं देखी क्योंकि किसान भाइयों का दर्द, उनकी पीड़ा हमारे दिल में थी, हमें नींद नहीं आ रही थी, हम लोग जा रहे थे इसलिए गए पहुंचे टाइम पे, जाकर के व्यवस्था देखे। और इन लोगों का तो इल्जाम लगाने का काम है, केले वे कैसे पहुंच गए? अरे जाकर के तो देखो ना हमारा संघर्ष, हम कैसे कर करके पहुंचे वहां पे, कैसे पहुंचे? दो रात लगातार नहीं सोए, पहली रात वहां जाके, अगले दिन फिर पूरा दिन जागे, अगली रात फिर जागे।
चलिए वो बढ़िया बात है, ठीक है, अच्छी बात है, आप किसान संगठन से हैं, ठीक है, आप पहुंचे वहां पर, अच्छी चीज़ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप उन लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी समर्थकों को किसानों ने पीट पीट कर वहां पर मार दिया, उनकी भी बात होनी चाहिए, हर किसी की जान है। वो डाकू थे, बदमाश थे। अरे ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये बड़ा गंभीर मसला है, मैं बड़ी देर से कहना नहीं चाह रहा था, बड़ा गंभीर मसला है। देखिए मेरी बात समझिएगा, 26 जनवरी पर लाल किले पर चढ़कर उत्पात मचाओ, लाल किले पर हिंसा करो, पूरी दिल्ली को चौक करके रख दो, वो बीजेपी के लोग, वो उत्पाती लोग, वो असामाजिक लोग, ठीक है, सुनते रहिए, अब सुनिए बालियान साहब, अब सुनिए, ठीक है। इससे पहले पंजाब में एक बीजेपी विधायक को निर्वस्त्र कर दो, पीटो, मारो, कूटो, खुद ताली बजाओ, ठीक है, चलता है। हरियाणा में मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला हो, हेलीपैड खोद के फेंक दो, ठीक है, वो बढ़िया है, वो चलता है। सिसौली में बीजेपी के नेता को मारो, पीटो, कूटो, बढ़िया है, वो चलता है। किसान के लिए सब चलता है, किसान की आड़ में सब चलता है। सबसे पहले तो अपने आप को एक्सपोज करिए कि आप किसान नहीं है, आप भारतीय किसान यूनियन है, ठीक है, आप भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है, आप उसके सदस्य है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य है। किसान किसान मत बोलते रहिएगा आपको। हाँ, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जोन से तुम भाजपा के विधायक को बता रहे हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिसौली के अंदर अपमान हुआ, उसी का लड़का जो वहाँ विदेश में रह रहा है वो कहता भारत रहने के लायक जगह नहीं है। तो आप लोगों की लड़ाई चल रही ना, भारतीय किसान यूनियन जो कि एक संगठन है उसकी, और बीजेपी जो कि एक राजनीतिक पार्टी, आपकी लड़ाई चल रही है। आपकी लड़ाई से भला किसानों को क्या लेना देना, आपकी लड़ाई से भला आम लोगों को क्या लेना देना। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास हमेशा। कहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन, जब भैया गाजीपुर बॉर्डर में, गाजीपुर बॉर्डर पर आप हैं, वहां पर जितने टेंट हैं उससे कम संख्या में किसान हैं। जब राकेश टिकैत साहब आते हैं तभी संख्या बढ़ती है, प्रतीकात्मक आंदोलन है आपका। वो कह रहा है कि अपनी टीम बनाओ, अपना संगठन बनाओ, इनका विरोध करो, इनका डंडे बरसाओ। आप इनके तो विचार तो सुनो, इनकी तो बात सुना करो ना, ये क्या कह रहे हैं भाजपा वाले, इनकी भी तो सुन लिया करो। ये किसानों को मारने की बात करेंगे, किसानों को पीटने की बात करेंगे, आप भी तो वही बातें कर रहे हैं। मैं तो सीधे कह रहा हूँ, ये भारतीय किसान यूनियन जो कि एक संगठन है उसकी, और भारतीय जनता पार्टी जो कि एक राजनीतिक पार्टी, उसकी लड़ाई है। प्रशासन ने बंद कर रखे हैं, हाँ, हमने बंद नहीं कर रखा कोई भी रास्ता, हमारे लिए कांटे खड़े कर रखे हैं, दीवारें खड़ी कर रखी हैं। 26 जनवरी जैसी हिंसा करेंगे आप, दिल्ली को चौक कर देंगे, 26 जनवरी के बाद बिछाए गए ना कांटे, 26 जनवरी के बाद ही व्यवस्था की गई ना। आपका फोटो मोदी जी के साथ है, ये हमारे प्रवक्ता साहब बैठे हैं, कितने फोटो है उनके साथ, अमित शाह के साथ कितने फोटो है। वो एक आदमी जो बिल्कुल खास भाजपा का आदमी, पूरे प्लानिंग के साथ फिक्स करा गया था उस दिन, क्योंकि ये पहले दिन से चाह रहे कि आंदोलन कुचला जाए, राज भी कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर भी देख लो क्या माहौल इन लोगों ने बना रखा है। जब इन्हें बताया कि किसान विरोध करते, क्या जरूरी है इनको रैली करनी। राकेश टिकैत साहब की अगर फोटो की बात है तो राकेश टिकैत साहब की कम से कम सैकड़ा फोटो होंगी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, छोड़िए उसको। राकेश टिकैत साहब किसानों के नेता है, तो राकेश टिकैत साहब जनता जाके झंडा नहीं लगा हुआ, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। कौन वो भाजपा का व्यक्ति है, पूरा इतिहास उजागर करके देखिए। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, किसकी बात कर रहे हैं, जिसने झंडा लगाया था वहां पे, किसने लगाया था सोच लीजिए, देखियो तो मीडिया में बोल रहा है। अच्छा, वो बीजेपी का आदमी है, तो आप अभी तक इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, आप अभी तक क्यों ये बात बोल नहीं पा रहे हैं कि जिन लोगों ने पीट पीट कर हत्या करी है लखीमपुर खीरी में, वो भी बीजेपी के लोग हैं। बोल दीजिए जल्दी से, बात को खत्म करिए। देर सरकार कर रही है, सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आज भी आदेश आए कि तुरंत अरेस्ट करो, जब आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के, सुनिए अब सुनिए बात को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी आए हैं कि दिल्ली का गला घोट दिया आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी आए हैं, सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ी क्षमता रखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी आए हैं कि जो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टे लगा रखा है, प्रदर्शन काहे बात का कर रहे हैं, जब लड़का पैदा नहीं हुआ मुंडन काहे कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं दूध फिटा नहीं केक काहे काट रहे हैं, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पहले भी बना था, एक आदेश पहले भी लगा था कि किसानों के गन्ने का पेमेंट 15 दिन में हो जाना चाहिए, अगर उसमें नहीं होता तो उसको ब्याज दे देना चाहिए। आप पिछले 5 साल का ब्याज दिलवा दीजिए किसानों को, जितना लेट पेमेंट आया है कैसे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को सरकार नहीं मानती, किसान मानता है, और हमने कहा रास्ते खोल दो, रास्ते से कोई हां, सुनिए सुनील भाई मेरी बात को समझिए। आप जब यहां पहले दिन आए थे तो एक ही एजेंडे के साथ प्रदर्शन हो सकता है ना। आपने पहले कहा कि 3 कृषि कानून जो है वो काले कानून है, उनको वापस करवाना है आपने, ठीक है, आपने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रुको भैया सरकार रुको, इसको स्टे करो, होल्ड हो गया, बात खत्म।
जब अगर शुरू होता दोबारा लागू होता तो प्रदर्शन करो भाई, खत्म क्यों नहीं हो सकता? कौन बरगला रहा है आपको? सीएनआरसी का जैसे चल रहा था वैसे ही आपको भी कोई बरगला रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा भैया। एनआरसी सीए का, एनआरसी सीए में कोई नहीं बरगला रहा था, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे या किसान कौम की लड़ाई, वो एक बिरादरी की लड़ाई थी ये, और हर उस गरीब मजदूर की लड़ाई है जो खाना खाता है। जब तीनों कृषि कानून लागू हुए ही नहीं है तो लड़ाई किस लिए है? जब लागू है ही नहीं, स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब किसने प्रदर्शन किया? पास हो चुके थे, लागू होने से पहले किसान बैठे तभी तो रोके गए ये। अच्छा आप कह रहे हैं कि लागू होने के, ठीक है आप कह रहे हैं जब स्टे लगा उससे पहले किसान आ गए थे, ठीक है तो वापस चले जाइए। तो हो चुके थे किसान आए, जब किसान आने के बाद ही तो रुके ही हैं। तो वापस जाने में कितना समय लगता है? ठीक है स्टे लगा हुआ है, चलिए दिल्ली को भी थोड़ी राहत दीजिए, खोलिए रास्ते, समय नहीं लगता, एमएसपी की गारंटी दे दो, कानून बना दो एमएसपी पे। अच्छा अब एमएसपी का कानून बना दे, एमएसपी पे कानून बना दे, फिर भी मत हिलिएगा, फिर कहिएगा भैया जे जे और दे दो, ठीक है अब राकेश टिकैत साहब को मुख्यमंत्री बना दो, ठीक है फिर थोड़े दिनों बाद कहोगे हमारी पेंशन मान दो, फिर थोड़े दिनों बाद कहोगे भैया गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे प्लॉट आवंटन कर दो, थोड़े दिन बाद कहिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाजीपुर बॉर्डर पर एक भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता का मकान बना दो। किसान को गाजीपुर बॉर्डर पर प्लॉट नहीं चाहते, यहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को दे दियो बस, वे आवे ना आंदोलन खत्म करने भी, उनको दे दियो, किसान को नहीं चाहिए, किसान को तो अपने अधिकारों की मांग चाहिए, बिल बात है, अधिकार मिल तो रहा है, अच्छी बात है आप लड़े, अच्छी बात है आप किसान है, अच्छी बात है आप लड़े, ठीक है कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बात खत्म। अब नहीं स्टे कितने दिन के लिए लगा, आधे कितने दिन कर रहे हैं काम को, स्टे करने के बाद ये फिर नहीं बदले जाते के लिए है, जब तक सुप्रीम कोर्ट दोबारा फैसला नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेट नहीं बताई है। चंद मुट्ठी किसान है, अब मुजफ्फरनगर के अंदर 5 तारीख को पंचायत हुई थी, कितने किसान थे जब 26 जनवरी में दिल्ली में किसान आया, कितना किसान था, इन्होंने फिर उसके बाद में 5 तारीख के बाद में उन्होंने मुजफ्फरनगर में पंचायत करी, इन लोगों से ट्रैक्टर से भी ग्राउंड नहीं भरा गया, वो सारे भाजपा के कार्यकर्ता थे वे लोग। ठीक है बढ़िया चीज है, तो वहां पता नहीं चलता कि किसान की कितनी डिमांड है, पूरे भारत के अंदर ये आंदोलन चला हुआ है, वहां से पता नहीं चलता कि पूरे भारत के अंदर से क्या डिमांड आ रही है। ठीक है डिमांड आ रही है, अच्छी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा तो दिया। देखिए सबसे सबसे बड़ी चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। नहीं देखिए देखिए सुनिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये भी मजबूर है, ये भी मजबूर है, इनको भाजपा का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी से इनके दिल से पूछिए कि ये दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख करके बात करते हैं। ठीक है प्रदीप जी जरा पूरा फोकस में आइए, दिल पर पत्थर दिखाइए, ठीक है पूरा फोकस में आइए, प्रदीप जी शिकार है राजनीति में, प्रदीप जी थोड़ा सा फोकस में आइए, ये दिखाइए दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर बात कर रहे हैं, ये लोग शिकार हो रहे हैं राजनीति का, आज आप देख लीजिए, आज आप वरुण गांधी को और उनको देख लीजिए मेनका गांधी को, भाजपा ने निकाल दिया ना, अगर कोई आदमी क्या मतलब आपको उनसे, आप किसान है राजनीति चल रही है निकाले अंदर रखे, आपको क्या मतलब है, काय राजनीति कर रहे हैं? नहीं वो भाजपा वाले आदमी राजनीति कर रहे हैं क्या, जिन्होंने किसानों के बारे में बात की, वो तो भाजपा के तो आदमी थे, वो किसानी खेती के बारे में क्या सोचते जाते वरुण गांधी मेनका गांधी बीजेपी, इनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, तो बढ़िया है ना, छीन ली गई आपको दे दी गई सरकार के खिलाफ। ठीक है अब प्रदीप जी आप आइए थोड़ा, और पत्थर कितना बड़ा रखा है पहले तो वो दिखाइए, फिर ये बताइए कि ये कह रहे हैं, ठीक है प्रदीप जी ये तो पता नहीं क्या ही कह रहे हैं, मैं इनकी बात को उस तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि ठीक है एमएसपी पर हमें भैया दे दो, हमारी कानून हमें गारंटी दे दो एमएसपी की, हम चले जाएंगे। कावेन जी जी मुझे थोड़ा 10-20 सेकंड दे दीजिए, मैं कुछ नहीं बिल्कुल साहब से दो शब्द जो उन्होंने अब आप बात रखा अपनी बात जी, और वो पत्थर वाली बात भी कही, मैं थोड़ा उसमें भी थोड़ा क्लियर कर दूं, किसान हमारे भाई हैं, अतुल्य हैं, और मान सम्मान सदैव यहाँ पर है उनका और रहेगा, मगर आप लोग जो राजनीतिक स्टेंट में आ गए हो, राजनीतिक लाइन में आ गए ना, वो थोड़ा गलत है। पहले चीज जो अभी आपने कावेन जी कही, अभी मैं सुन रहा था कि देखिए जब स्टे लगा हुआ है तो आप क्यों बैठे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने बोल दिया कि आप बैठिए, आपकी हर शर्त हर चीज मानने को तैयार है, ये कौन सा राजनीतिक स्टंट है जो आप लोग बैठ नहीं रहे, और आप केवल इसी पे अड़े हो कि संशोधन नहीं होगा, आप इसे कैंसिल कर दीजिए तीनों कॉलोनियों को, और मेरे दिल पे पत्थर कोई नहीं है, मैं भाजपा का हूं और आज किसान नहीं हूं, मगर कल मेरे पूर्वज किसान थे और मेरे फादर भी किसान थे, और मैं दर समझता हूं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और देहात क्षेत्र से ही हूं मैं, थोड़ा सा मैं इस बारे में कहता हूं, आदरणीय राकेश टिकैत जी ने जो लखीमपुर में काम किया वो बहुत बड़ा एक आगजनी और एक उपद्रव को बचाने का काम किया, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं,
देखिए नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय, कहना आदरणीय राकेश टिकैत जी बिल्कुल किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, मगर आदरणीय राकेश टिकैत जी को यह भी सोचना पड़ेगा कि आप राजनीतिक गोद में जाके जो पश्चिम बंगाल जाके बैठ जाते हैं, पंजाब जाके बैठ जाते हैं, राजस्थान जाके बैठ जाते हैं, उन्होंने आपके आंदोलन को पूरा राजनीति में बना दिया है और राजनीतिकरण कर दिया और पूरा अखाड़ा राजनीति का तैयार हो चुका है। समर्थन और समर्थक में बड़ा फर्क होता है। आज जो आपने इतनी बढ़िया आज डिबेट जो रखी और मुझे भी आपकी बातों से बड़ा ज्ञान मिला कि आप लोग जो बैठे हो गाजीपुर पे और मकान पक्के बनाने में, छोटा उदाहरण दे रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का अपना कार्यकर्ता गठन हुआ था तो स्वागत के लिए यूपी गेट पे खड़े थे और उनका मतलब नहीं किसान आंदोलन से लेना नहीं, किसान और लाठी लेके सड़क पर आए, सारी गाड़ियां खराब और एलिगेशन लगाते कि हमारे मंच पे चढ़ रहे थे, हमारे उधर आ रहे थे और एक ने बीसीओ वीडियो है वो हमला क्यों किया गया बता देखिए जो चीजें लखीमपुर में जो हुआ मैं उसके बारे में आप किसान आदमी है, किसान तो मासूम होता है, मासूम आदमी है, रुकिए सुनिए, अरे सुनील साहब, सुनील साहब, सुनील साहब बोले नहीं, बोले नहीं, अभी आपने कहा आप उनको बोलने नहीं देते, अब बोले नहीं, रुकिए सुनील साहब, रुकिए, सुनील बालियान भाई किसान है आप, किसान मासूम होता है, आप मासूम आदमी, रुकिए सुनिए, अच्छा लगता है नेताओं को सुनना, सुनिए पूरा बोलिएगा, मैं आपके पीछे बोला ऐसे आपने दिल्ली में किया, पूरी दिल्ली को चला दिया आपने। सुनील बालियान साहब ठीक है, प्रदीप जी आप एक मिनट रुकिए, सुनील बालियान साहब, पहले भी आपके सुनील बालियान साहब, सुनील बालियान साहब, सुनील बालियान साहब, सुनील बालियान साहब, ये बड़ी शांतिपूर्वक चर्चा हो रही है, आप थोड़ा सा रुक जाइए, प्रदीप जी को बोल लेने दीजिए, वो जो बात कह रहे हैं, फिर आपको पूरा मौका, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप उनकी बातों को सुनिए, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा कहने के लिए, ठीक है प्रदीप जी बोलिए। मैं ना तो कावेन जी के बीच में बोला, ना मैं वालियान जी के बीच में बोला। अभी जो विधायकों की बात कर रहे हैं, हमारे जो विधायक क्षेत्रीय विधायक गाजियाबाद से हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, इन पे एक वीडियो एक सबूत नहीं दे गया, ये खूब चीख चिल्लाए, झूठे स्टेटमेंट दिए उन्होंने मीडिया पे, आदरणीय राकेश टिकैत जी ने भी दिए, और एक इनसे एक सबूत नहीं दिया गया। पहले तो मैं झूठ या क्लियर कर दूं, और वो वीडियो भी चाहेंगे तो मैं वालियन साहब को भेज दूंगा, जो जैसे आपने हमले करे, मेरे 20 वीडियो है और 20 महिलाएं जिनके पैरों में चोट रही, जिनके फ्रैक्चर भी हुए, जितनी बुरी तरह उन लाठी डंडों से मारेगा, तलवार वो वीडियो पैरों से तोड़ेगा, आ गई थी नंदकिशोर की, वो भी देख लीजिएगा सर, वो सारी वीडियो मेरे पास, सुन लो सर, क्यों नहीं निकाली थी यार वालियान जी, मैं दिक्कत तो यही है, आप सुनते नहीं, आपकी बार पूरी बात सुनिए, आपकी मेरे सुन लीजिए, बालियान साहब सुनने की क्षमता रखिए, आप किसान नेता, आप किसान हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके पीछे नेता लगता है, मुस्कुराते सुनिए, किसान हैं जी बोलिए, हां आप किसान हैं, आप किस पीछे नेता लगता है, शोभा नहीं देता, वो अशोभ नहीं है, आप किसानों आंदोलन के लिए बैठे, मगर आपने जो नेता गण है वो, मैं तो किसान ही हूँ, मैंने कब नेता बनाया आपने आपको, नेता तो आप ही लगा रहे हो, वो तो उपाधि भाजपा के पास है। प्रदीप भटनागर साहब, प्रदीप भटनागर साहब, अगर अपनी बात रखते रखते बीच में टॉन्ट भी मारते रहेंगे तो कैसे चलेगा जी बताइए। चलिए मैं बता दूं इनके सवालों का जवाब, चलिए मैं बीच में आ जाता हूँ, ठीक है, लखीमपुर की बात चल रही थी, हाँ देखिए बिल्कुल अभी बात हुई नहीं, चार गुंडे सुन लिया, बालियान साहब बिल्कुल आप पर आ रहा, बालियान साहब कुछ सेकंड का और समय चाहता हूँ, बालियान साहब आप पर ही आ रहा हूँ, बालियान जी, बालियान साहब आप पर ही आ रहा हूँ, बालियान साहब आप पर, कुछ सेकंड और, कुछ सेकंड और जी, प्रदीप जी बोलिए। वालियान जी ये नहीं बोले कि हनुमानगढ़ में 70-80 साल के बुजुर्ग सरदार जी को कैसे ट्रैक्टर में मारा गया, इस बारे में नहीं बोलेंगे, 3 दिन से किसान पट रहे पिट रहे हैं राजस्थान में, वो नहीं बोलेंगे, कम से 5-6 हजार किसान छत्तीसगढ़ में बैठे हैं जिनकी जमीन घेर ली गई, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, सिंदूर जाते हैं आदरणीय राकेश टिकैत जी, मगर बलात्कारी के जो जिस बलात्कार बेटिया के साथ है, उसके प्रदीप जी आपके यहाँ किसान, आपके यहाँ किसानों की हत्या हुई है तो उस पर बोल रहे हैं, अभी जो सुन रहा था ये जो अभी देखिए कितनी शर्म की बात है वालियान जी आपके लिए भी और मेरे सुनने लिए भी, आपने जो कहा कि जो चार गुंडे मारे गए तो इसके लिए हमारे माँ बाप जो बच्चे पैदा करते हैं गुंडे पैदा करते हैं, वो जो ड्राइवर था जो नौकरी कर रहा था वो गुंडा था, थोड़ा सा मरे जो चले गए धरती पर, सुना है क्या कहावत, सुनिए अनाज के साथ गुण भी पिसता है, तो फिर तो आप उन्हें भी ये बोल दो जो जो लोग जीप के नीचे आ गए वो भी गुनते नहीं, गुण बता दो आप उन्हें,
नहीं नहीं गुंडे थे क्या, वो झंडा लेकर आराम से नहीं, निकल रहे थे ना वो तो वो घूम नहीं नहीं जो जो चार लोग गाड़ी के नीचे आए वो भी घूमते वे मारने गए किसी को, वे किसी को मारने गए सर, किसी को नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मारने के लिए आए थे, वो भी मारने सारे आए थे, सारे लाठी डंडे लेके आए थे। भावेन जी अगर आप वीडियो देखेंगे जो गाड़ियां सारी निकल गए, जो लास्ट की दो तीन गाड़ियां बची उसके पीछे लाठी मारी गई, तलवार मारी गई, शीशे तोड़े गए, तो क्या करते हैं, फूल थाली लेकर पूजा करते हैं, टक्कर मार के जो गाड़ी जा रही है उसकी फूल थाली लेकर पूजा करी जाएगी क्या भाई, क्या बात करते हैं। चलिए भलेन साहब ठीक है, प्रदीप जी हो गया आपका, प्रदीप जी हो गया, सुन लिया, रैली नहीं है ठीक है। भलेन साहब आप बताइए जी, मैं कहना चाहता हूँ जैसे हमारे भाई प्रदीप भटनागर जी बोल रहे थे, अकबर इनके नेता जी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आए और सामने अपने नेता का ये स्वागत कर रहे थे, तो यार ये कौन सा इंसाफ है, इनका कौन सा तरीका है कि जब क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आते, गाजीपुर बॉर्डर पर आपका पट्टा है, गाजीपुर बॉर्डर की सीमा लगती है, गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा, क्यों नहीं जा सकते भाई, बीजेपी से है तो क्या हुआ, गाजीपुर बॉर्डर पर जा नहीं सकते क्या, वीजा लगवाना पड़ेगा क्या गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के लिए, 100 मीटर उधर 100 मीटर उधर भी तो जा सकता है, बिल्कुल मंची लूटेंगे हमारा, हमारे सिर पे चढ़ोगे, आपके मंच पर अगर चंद्रशेखर रावण आ सकता है, आपके मंच पर उदित राज आ सकता है, आपके मंच पर तमाम विपक्षी नेता आ सकते हैं, तो सरकार का अगर कोई नुमाइंदा आना चाहता है तो आपके लिए अच्छी बात है। हमने मंच कभी साझा नहीं किया, मैंने मंच की बात नहीं की, मंच के आसपास आए हैं ना, शिवसेना का प्रमुख तुम्हारे यहाँ आया, राहुल गांधी तुम्हारे यहाँ आया, जो घटना हुई उसके बाद भी एक भी व्यक्ति ममता बनर्जी आपके यहाँ नहीं आने था कोई भी, लेकिन ये भाजपा को तो हमेशा से है ना, क्योंकि ये बदमाश है, ये गुंडा तंत्र है, गुंडू की सरकार है, ये हमेशा क्या काम करती है अपनी दादा, ऐसे नहीं है, देखिए हमारे आदत भाषा का प्रयोग मत करिए, ठीक है ये सब ठीक है, नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, देखिए भालियान साहब ये सब ठीक है, आप ये ना भूलिए, थोड़ा शर्म करिए बोलने के लिए कि भारतवर्ष के अंदर 70% कृषि प्रधान है और उसके किसानों के बेटे भी मंत्री और नेता हैं, थोड़ा सा आप बोल रहे हैं सोच लीजिए, जो गुंडे तंत्र है थोड़ा सा, नहीं 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 देखिए ये सब ऐसे नहीं चलेगा बालियान जी, तो जैन चौधरी बालियान चौधरी गुंडा है, देखिए बहस की पवित्रता को बनाए रखिए, थोड़ा सा शब्दों पर अपने काबू रखिए, कौन सा मुकदमा है, अरे जैन चौधरी गुंडा है और मैं कांग्रेस जैन चौधरी गुंडा है, क्या राजनाथ सिंह गुंडे हैं, चौधरी अजीत सिंह गुंडे थे, मैं जो किसानों के बारे में बोलते चौधरी अजीत सिंह गुंडे थे, मैं किसी पार्टी के बारे में रखता नहीं सकता, बाबा राकेश टिकैत गुंडे थे, बाबा राकेश टिकैत गुंडे थे क्या, अरे अजीत सिंह की तुलना गुंडे से करोगे क्या, जो तुमने राज्य मंत्री बैठा रखा है ये गुंडा है, आप साइंटिफिकेट देंगे बैठ के, नहीं रुकिए 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 भालियान साहब एक मिनट सुनील भालियान बात को सुनिए, अरे रुकिए भैया रुकिए, ये गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे वाली डिबेट रही है जहाँ पर दो लोग बैठ के बहस करें, थोड़ी शर्म करिए आप दोनों ही, रुकिए सुनील भालियान प्रदीप जी आप रुकिए, सुनील भालियान जी रुकिए, ये कोई चौराहे पर एक चाय की दुकान पर होती दो सड़क छाप लौंडों की बहस नहीं है, इस पर आप दोनों ही सम्मानित लोग हैं, ठीक है बहस की एक जो इमेज है उसको बनाकर रखिए, स्तर मत बिगाड़िए, ये गुंडा तू गुंडा मैं गुंडा शोभा नहीं देता आप दोनों लोगों पर, ये इस तरीके से मत करिए, तू गुंडा मैं गुंडा तू गुंडा मैं गुंडा, बहस तथ्यों पर बहस हो रही है, तथ्यों पर बहस करिए, मान लिया किसानों के नेता या कोई भी राजनीतिक संगठन है उनकी तुलना उस गुंडे से कर रहे हैं जिसका लड़का किसानों को कीड़ी की तरह कुचलता जा रहा है, आप कितने अपमान की बात है मुझे बताइए, वो गुंडे थे जिन्होंने लाठी से चार लोग मार दिए, वो क्या थे, वो देवता थे क्या, अरे डोम से जाके गाड़ी चढ़ाएंगे, गाड़ी चढ़ाने वाले आप सर्टिफिकेट देंगे, आप अपना सर्टिफिकेट देंगे बैठ के यहां पे, वालियान जी आप अपना सर्टिफिकेट, ठीक है अब रुकिए सुनील भालियान साहब रुकिए, राकेश टिकैत जी कौन है बताइएगा, राकेश टिकैत साहब कौन है, किसानों के नेता है, किसानों के नेता वहां लखीमपुर खीरी में जाकर जो गुंडों से बातचीत क्यों करते हैं फिर, अगर आप उन्हें गुंडा बता रहे हैं बार बार, राकेश टिकैत साहब वहां गए, सरकार के लोगों से बातचीत की, मामले को शांत कराया, उन्होंने खुद कहा कि मैंने सरकार के साथ बातचीत की, खुद उन्होंने अगले दिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठकर पूरी इसी करिए, हम तो गए सारी रात जाग करके गए वहां तक का, हाँ भाजपा ने उन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास कर लिया था, इन लोगों ने तो लोगों को ऐसे कुचल दिया जैसे कीड़ी मकोड़े हो, वालियान जी डांट रहे हैं, और फिर बाद में जाकर के ये इनकी आईटी सेल बदनाम करने का काम करती है,
फिर ये बताती है ये हो गया वो हो गया, इनकी आईटी सेल तो दुष्प्रचार करती है, इनकी आईटी सेल से बचने के, इनसे बचने के लिए तो ये सारा काम हुआ, इसी चीज को तो दबाया गया वहां पे कि भाजपा अपनी रोटी सेकेगी, इसमें किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है, उग्र करना चाहती है। सिद्धू जी क्या कर रहे हैं वहां पे? बालियान जी सिद्धू जी क्या कर रहे हैं वहां पे? अखिलेश यादव क्या करने गए थे? राहुल प्रियंका गांधी क्या करने गए थे? जयंत चौधरी मुंह छुपा के क्यों भागे थे? जयंत चौधरी जी मुंह छुपा के क्यों भाग रहे थे लखीमपुर? राहुल क्या कर रहे थे वहां पे? अखिलेश जी क्यों भाग रहे थे? पीसीआर महोदय का भी कोई सवाल आ रहा है आपके लिए, वो भी पूछना चाहते हैं। अगला बोले बोले तो वहां तक ये आप लोग देखो, मृतक मृतक होता है, चाहे किसी परिवार से क्या हो, आप न्याय बात नहीं करते, आपको आपको न्याय पसंद नहीं है। और कावेन जी आपकी बात का मजा आ रहा है, मैं कि जब स्टे लगा हुआ है तो क्यों गाजीपुर बैठे हैं? स्टे लगा हुआ है गाजीपुर क्यों बैठे हैं? इनसे पूछो चिंतू नगर से भिंटर वाले के फोटो लगे हुए उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं क्या कह रहा हूँ, हमने देखा जिस गुंडे ने वहां पे, जिस गुंडे ने उपद्रव मचवाया उसको छुपा के रखा महीनो सिंधु बॉर्डर पे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे? तीन तारीख का मैं कहता हूँ तुम्हारे पास में फोटो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, पहले से प्लांट करते हो ना। सुनो कावेन जी एक बात और बता दो, 5 तारीख को महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, उसके बाद एक पंचायत हुई, देखिए दूसरी पंचायत में ना तो भंडारा था, ना देसी घी की जलेबी थी, ना देसी घी की पूरियां थी। आप लगा लो फंडिंग हुई कैसे, क्या हुई ना तुम्हारे वाली में, जितने तुम्हारी वो किसान थे, वो पीड़ित थे, किसान थे, अपनी बात रखने गए थे, वो मोदी जी का और अमित शाह जी का वो इस्तीफा मांगने में गए थे। ये बात भी तो देखिए, ये बात देखिए सुनील बालियान साहब, सुनील बालियान साहब ये बात भी तो जग जाहिर है कि जो किसान है वो खेतों में भी काम कर रहे हैं, ये बात भी तो जग जाहिर है कि करोड़ों की संख्या में किसान है, लेकिन कहाँ है गाजीपुर बॉर्डर? आप झूठ बोल रहे बैठ के यहाँ पे, शर्म कर लो थोड़ी बहुत, शर्म तो आप लोगों को नहीं आ रही मालियान जी, लोगों का रास्ता रोके बैठे हो आप, सबका पेट पाल रहा है, कहते रहो जो टैक्स देते हैं, जो जो रोड परेशान है, एम्बुलेंस निकल नहीं पाती, आप रोड रोके बैठे हो, अगर आपको अभी अगर सभ्यता है तो एक रास्ता खाली कर दो जाने का, सवाल भी नहीं कर सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपको अगर आप अगर इंसानियत है तो एक रास्ता खाली कर दो, एक रास्ते में बैठ दो जाने के, दिल्ली जाने के, आजादी छीन ली सरकार ने, आप लोगों ने दिल्ली की आजादी छीन रखी है, सरकार से कोई सवाल भी नहीं कर सकते, आप लोगों ने दिल्ली की आजादी छीन रखी है। सरकार तुम्हारी है, सत्ता तुम्हारी खुलवाओ। अब आप देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार तुम्हारी खुलवाओ, अब लाठी लेके दो, सुनिए सरकार को और प्रशासन को खुलवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो तो 15-20 मिनट में खुलवा देंगे, फिर खोल दो रास्ता, खोल दो ना, हमने बंद कर रखे क्या रास्ते, हटाओ रास्ते, सामान हटवाओ अपना, स्टेज हटवाओ, बीच में खुलवाते हैं, फिर वही वीडियोस आएंगे, सुबह खाली करवा दे, खुला खुलवा देंगे, आप वादा करो ना, आप वादा करो जी, आज रात को हाईवे से हम हटा देंगे और रात को ही खुलवाते हैं, देखो और मैं श्योरिटी देता हूँ इसके बारे में, खुलवाने की कोशिश हुई थी तो राकेश टिकैत साहब के आंसू पूरे देश के देखे थे, ठीक है बालियान साहब एक मिनट प्रदीप भट्टागर साहब एक मिनट प्रदीप जी एक मिनट, सुनील बालियान साहब एक बार खुलवाने की कोशिश हुई थी और तब टिकैत साहब के आंसू पूरे देश के देखे थे, समझ में नहीं है, सुन नहीं पा रहा हूं मैं, कहा कि आपने कहा कि खुलवाओ, आपने कहा कि खुलवाओ रास्ते, कौन रोक रहा है, खुलवाओ खुलवाओ, तो मैंने कहा खुलवाने की कोशिश एक बार हुई थी लेकिन तब टिकैत साहब के आंसू पूरे देश ने देखे थे, हमने यही तो कहा, टिकैत साहब ने कब मना करी, टिकैत साहब भी तो नहीं कह रहे भाई रास्ते खोल दो, हम क्या मना कर रहे, अरे मैं वही तो कह रहा हूं, जब खुलवाने की कोशिश हुई तब टिकैत साहब के आंसू पूरे देश ने देखे थे। अच्छा हाँ, टिकैत साहब का 28 तारीख को हमें मार के हमें काट के जबरदस्ती खोल लोगे, जबरदस्ती खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो फिर कैसे खुलेगा, आप हटेंगे नहीं, आपको हटाएंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे, फिर कैसे खुलेंगे, आप खुद से हट जाइए, आपको कोई हटाएगा तो आप कहेंगे जबरदस्ती हटा रहे हैं, कैसे होगा भाई, हमें हमें हमारा संविधान अधिकार देता है, किस चीज का, अगर हम आज
प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे संविधान में। अरे देखिए देखिए देखिए, संविधान का अधिकार की परिभाषा आपको बताई गई लेकिन परिभाषा पूरी नहीं बताई गई। संविधान का कोई भी राइट, संविधान का कोई भी अधिकार तब तक आपको मिलता है जब तक उस अधिकार के अनुपालन में आप किसी और के अधिकारों की हानि ना करें। ये कौन से आप हानि कर रहे हैं कि भाई किसान आकर के बॉर्डर पे बैठ कर तुम खाकर के, अरे आप मेरा अधिकार छीन रहे हैं, आप मेरा अधिकार छीन रहे हैं। वो सार्वजनिक सड़क है, मैं उसके द्वारा कल तक दफ्तर आता था, आपने जब से वो सड़क बंद की मैं उस रास्ते से दफ्तर नहीं आ पा रहा हूँ। आप मेरे अधिकारी को हनन कर रहे हैं, आप मेरे जैसे लाखों लोगों का हनन कर रहे हैं अधिकारों का। हमने नहीं करा तुम्हारा हनन, तुम्हारा हनन कर रही है सरकार, इस सरकार ने जानबूझ के बंद करवा रखे है। अरे प्रभु आप चले जाइए, हम सरकारों की ईंट से ईंट बजा देंगे, आप चले जाइए प्रभु, ठीक है, सब हो जाएगा मसला। सरकार की समझ में नहीं आई बात, वो आपके समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर में आएगी, सुनिए मेरी बात। नहीं नहीं आप चले जाइए, मेरे ईयरफोन नहीं है आपके पास, है कहाँ है? मेरे पास ईयरफोन नहीं है, मैं फोन को हाथ में लेकर के बात कर रहा हूँ। अच्छा, बॉर्डर पे बैठा हूँ, मेरे पास पूरा सेटअप है। मैं ये कह रहा था, ठीक है सुनील बालियान साहब, मैं ये कह रहा था कि ठीक है आप तो हटिए, कोई तो शुरुआत करे। किसान तो बहुत मासूम होते, किसान तो बहुत बढ़िया होते हैं, साफ छवि के होते हैं, अच्छी नीयत के होते हैं, तो उनको तो बड़े अच्छे लोग होते हैं वो। आप तो शुरुआत करिए, आप तो हटिए वहां से, सरकार को तो हटवा लेंगे आप। तो हम किसान नहीं है, हमारी छवि कहां से खराब नजर आ रही तुम्हें? अरे मैं तभी तो कह रहा हूं कि आप तो हटिए। अरे मेरा बड़ा मासूम सा एक प्रश्न है आपसे, बड़ा नाजुक सा सवाल है आपसे सुनील बालियान साहब, आप तो हटिए, आप हट जाइए, हम खुद सरकार को हटवा देंगे। हटेंगे तो जब जब हमारे हमारे कानून तो वापसी करो हमारी। अरे कानून है कहा, कानून है कहा, कानून पर तो स्टे लगा है भैया। अरे वापसी लो ना उसको। अरे वापसी कैसे ले ले, स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा है, छोड़िए ना उसको, बच्चा पैदा नहीं हुआ, घंटे भर से मुंडन की बातें कर रहे हैं, कैसे चलेगा ये? आए दुगुनी करने की बात कर रहे थे हम तो, जनवरी तक भी बैठे, हम तो 2024 तक भी यही बैठे, हमें दिक्कत नहीं है। जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं है, पहले बिल वापिस करो। और हमारी जो एमएसपी है, हमारी जरूरतों को जो हमारा काम है, और देख इसको एक और काम कर रहे हैं, देश तराई तराई पुकार रहा हमें, दे रहे 25 पैसे किलो गन्ने पे, हैं तेल का भाव करेंगे 50 तक 100 कर देंगे, ठीक है डीएपी के भी रेट बढ़ा देंगे, ठीक है हमें, और सिलेंडर भी 1000 के पार कर दिया, और हमें 25 पैसे प्रति किलो। सिलेंडर की बात कर रहे हैं आप, सिलेंडर के तो आम हर किसी के साथ बराबरी होंगे, आपको नहीं, मैं आपके जो जो ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, 2013 में मोदी जी चिल्ला रहा तेज तेज, क्या लगा उस देश का पैसा गिरता, जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो उस देश के तेल के पैसे बढ़ते, जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, सिमरती ईरानी सिलेंडर लेकर बैठी थी, कहला जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो उसका उसके गैस के पैसे बढ़े। अरे ठीक है, राकेश टिकैत साहब कहते हैं हमने जितवाया, तो आप ही ने तो जितवाया था बीजेपी को, या तो भाजपा वाले तब गलत थे। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, उस वक्त की बात क्यों करनी कि जब आप खुद ही आप ही लोग सब बीजेपी को जितवाते थे, आप सभी बीजेपी के समर्थक थे, बीजेपी की रैली में आप ही सब जय भाजपा जय भाजपा कहते हुए हैं, मुझे क्या मतलब इन बातों को बोलने का? सवाल बहुत बढ़िया है इनसे, ये 2013 में गलत थे, आज गलत है। कावेन जी इन्हें पेट्रोल डीजल से भी मतलब है, सरकार से भी मतलब है, कांग्रेस से भी मतलब है, इन्हें लोकदल से भी मतलब है, बताता रहूं मैं, ये सब चीजों से मतलब है, मैं कहता रहूं मैं, आप ये सब राजनीति का सिस्टम है, किसान है भैया, उन्हें क्या मतलब, राजनीति का सिस्टम है। आप उन्हें सस्ता बीज दे दीजिए, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रदीप जी आप किसान को सस्ता बीज दे दीजिए, उसे खाद उपलब्ध करा दीजिए, उसे जितने भी उपकरण होते हैं कृषि के उपकरण उन्हें सस्ते में उपलब्ध करा दीजिए सब्सिडी देकर, इसके साथ ही उनके जो भी गन्ना समर्थन मूल्य उसके रेट बढ़ा दीजिए, समय पर भुगतान करा दीजिए, और क्या चाहता क्या है किसान, किसान यही तो चाहता है, ये सब दे दीजिए। किसान सब जो वहां पर जो लोग बैठे हैं जो कर्जे में फंसाते हैं किसान को, वो दे दीजिए, मेरा कर्जा माफ करो, किसान नु कहता है मेरे फसल के दाम दे दो। कावेन जी मैं आऊं क्या? हाँ बिल्कुल आप आइए। किसान कहता है मेरे फसल के दाम दे दो। थोड़ा सुनील जी सुनेंगे, सुनील जी सुनेंगे, मैं बोलूं कुछ अगर आप सुनना चाहेंगे। ठीक है आप बोलिए सुनील जी, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ ठीक है, देखिए सुनील जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगा हो गया, थोड़ा सा यही बताना पड़ेगा, जब किसान अपने घर से निकलता था रात को 12 बजे ट्यूबवेल चलाने के लिए, उसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अब उन्हें पूर्ण लाइट मिलती है, सारी पूरी आज दिन में भी लाइट मिलती है, आज दिन में भी किसान जाके अपना ट्यूबवेल चला सकता है, ये बारे में नहीं बोलेंगे। पहले चीज देखिए, एक स्पेशल अगर डीजल पेट्रोल पूरे इनके लिए नहीं पूरे देश के लिए महंगा हुआ, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, मेरे लिए भी हुआ है। और थोड़ा सा मैं इस चीज संज्ञान में दे दूं थोड़ा सा, ये जो किसानों की बात कर रहे हैं, ये कभी ये नहीं बताएंगे कि जो 21 गुना फसल जो आज भारतवर्ष में हुई है वो अपने आप ऑटोमेटिक हो गई
या किसान ने उगाई है, ये हमेशा बड़े छोटे किसानों की बातें क्यों नहीं करते हैं? आज जो किसानों के लिए सहायता दी जा रही है, चाहे वो उनके नुकसान की भरपाई हो, चाहे उन्हें जो माननीय प्रधानमंत्री जी कोष से जो मिलता है साल का उनको दी जाती है, मगर आज तक किसी सरकार ने सोचा इसके बारे में? ये सरकार ने सोचा आज उस पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, छोटे किसान की बात नहीं करते और लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं ये लोग कि मंडी खत्म हो जाएगी, अडानी अंबानी आ जाएंगे, मगर ये असली बात नहीं बताते कि जो किसानों के नेता बने बैठे जिनपे हजारों बीघे जमीन है, हिमाचल वालों के सेब भी खरीद सर, बीच मत बोलो सर, बीच मत बोलो प्लीज, वाले जी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं आपको मैं खत्म हो रहा हूँ, आप खूब बोलेगा सुनूंगा आपको बैठ के, सच्ची बात ये नहीं बोलते कि जो हजारों बीघे किसान को जमीन लेके बैठे हैं माफिया, ये आपदा उन पे आने वाली, जब जब ऑनलाइन सब जमीनें हो जाएंगी ये जवाब कैसे देंगे कि आप पे 100-100, 200-200 बीघे जमीन क्यों ने क्यों है आपके पास? ये क्योंकि आड़ ले रहे हैं अडानी अंबानी की, क्या फार्मिंग खेती अब से हो रही है? ये जो किसानों के नेता बैठे हैं ना, आधे से ज्यादा ऐसे जो फार्मिंग कैसी जो खेती कराते हैं और करते भी हैं, इसके बारे में नहीं बोलेंगे क्यों? झूठ और सच का सहारा लेके जो चीजें कर रहे हैं कुछ है, मगर मेरे पास आज भी वो स्टेटमेंट है, अखबारी कटिंग है, जिस समय कानून पास हुआ था खुद सरकार को बधाई दी थी आदरणीय राकेश टिकैत साहब ने, और कहे तो मैं आपके आगे प्रस्तुत कर सकता हूँ, ऐसा क्या हुआ जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो राकेश टिकैत जी क्या बोले? ये बोले भैया जमीन बता सको तो बचा लो अपनी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आप बहुत शानदार बोले, ठीक है, आपने अपनी बात भी रखी, ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बोलते हैं प्रदीप जी आप, और ठीक है बीजेपी के बढ़िया बढ़िया मुद्दे हैं, मैं भी इनसे इन्फ्लुएंस हुआ, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, बीजेपी पार्टी ठीक है बहुत बढ़िया पार्टी है, आपने हर बात सही कही, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री का जो बेटा है इस समय कहाँ है और वो क्यों नहीं आ रहा, क्यों फरार है, सवाल वही है जी, बिल्कुल, देखिए वो पुलिस का काम है ढूंढ रहा, पुलिस अपने आप ढूंढेगी, वो मंत्री नहीं, राज्य मंत्री का बेटा है, आपकी सरकार में ही राज्य मंत्री है, केंद्र के राज्य मंत्री है वो, ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि पुलिस का काम है ढूंढना, अब राज्य मंत्री भी फरार होंगे, राज्य मंत्री के बेटे फरार होंगे, काविन जी, हाँ काविन जी, हाँ जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में दी थी, नहीं नहीं वो नहीं, अभी आपने कहा कि ठीक है पुलिस का काम है ढूंढना, मैं शुरू में जो फर्स्ट टाइम, अरे नहीं ये बताइए पुलिस का काम है ढूंढना, अब राज्य मंत्री के बेटे भी फरार होंगे, उन्हें भी पुलिस ढूंढेगी, वो भी जवाब दूंगा काविन जी, वो भी जवाब दूंगा आपको, मैं ये चीज बता दूं, देखिए जो मीडिया अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मीडिया ने कहा है कि कल मंत्री और उनके बेटे को खुद लेके पेश होंगे, जो अपडेट आई है और आप लोगों के माध्यम से आई है, तो हमें इन चीजों को देखना है, हमें ये नहीं कि मंत्री का बेटा है या किसी का बेटा है उसे बचाना है, वही तो आप क्यों ऐसा अगर तथ्य अगर हाँ हाँ काविन जी सुनिए मैं बता रहा हूँ काविन जी, अगर अगर मंत्री के बेटे के खिलाफ सबूत होंगे तो उन्हें कोई जेल जाने से नहीं रोक सकता और ना ही कोई सपोर्ट, ये प्रधानमंत्री योगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की सरकार है, ठीक है, अगर मैं एक बात मैं इतना बोलूं आश्वस्त करता हूँ आपको, में आ गई, इसलिए मैं इतना आश्वस्त करता हूँ आपको, मैं ठीक है प्रदीप जी, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किसानों के विषय में, बोलिए बोलिए, देखिए किसानों की आड़ में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इसके विषय में आदरणीय राकेश टिकैत जी बोलते न ये बोलते, आप लोग किसानों के आंदोलन में बैठे, आपका क्या मतलब है विधायक के कपड़े फाड़ना, आपको हेलीपैड खोद देना, ठीक है वहां मुख्यमंत्री उतर रहे थे, आप बिल्कुल काले झंडे दिखाइए, आपका क्या मतलब है ट्रैक्टर लगा देना, उसका मतलब कहीं तो आपके यहाँ आतंकवाद या आपके यहाँ कोई ऐसे अराजक तत्व है ना जो खराब करना चाहते हैं आपके माहौल को, सुन ली बालन जी, प्लीज बालन जी मैं खत्म कर रहा हूँ, बालन जी मैं खत्म कर रहा हूँ, बालन जी मैं खत्म कर रहा हूँ, राजस्थान को ले लीजिए, सॉरी राजस्थान तो कह रही है बोलेंगे नहीं, राजस्थान तो बोलेंगे नहीं है, राज्य हरियाणा को ले लीजिए, जितनी भी घटनाएं हुई नेताओं के साथ विधायकों के साथ, जितनी घटनाएं यूपी में हुई आज जो लखीमपुर में हुई उसके विषय में नहीं बोलेंगे, ठीक है आपने काले झंडे दिखाए, आंदोलन आपका आपका करने का राइट है, मगर किसने आपको कहा कि आप अराजकता को और मोटे मोटी लाठियां तलवार लेके आप लोग काले झंडे दिखाइए, आपके इस विषय में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और आपने हर विषय झुठला दिया, आपने बैठ के हम इसी विषय पर तो बोल रहे हैं, ठीक है हम इसी चीज को तो बता रहे हैं, ये बताइए मेरे मन में एक सवाल आया, ठीक है सुनील बालियान साहब, एक मिनट रुकिए सुनील बालियान साहब, थोड़ा सा रुकिए सुनील बालियान साहब, थोड़ा सा रुकिए भट्टागर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं उसको पूछ लेता हूँ पहले फिर आगे बढ़ते हैं, जी बोलिए बोलिए भट्टागर साहब, ये बताइए कि जिस दिन घटना हुई, घटना के एक दो दिन के बाद से लगातार वीडियो पर वीडियो सामने आने लगे, ठीक है आप ये बताइए जिस दिन घटना हुई उसी ही दिन पूरी इंटरनेट जो सेवा थी वो पूरे क्षेत्र की बंद कर दी गई, ठीक है पूरा कंट्रोल पूरा होल्ड आप लोगों का था, ऐसे में इस बात को क्यों ना शंका की जाए, इस बात को लेकर क्यों ना शंका जाहिर की जाए कि आप लोगों ने कहीं अंदर ही अंदर सेटिंग तो नहीं बिठा ली,
कहीं जो लोग गवाह बन सकते थे उन्हें पैसा देकर, किसी को मुआवजा इनडायरेक्ट वे में देकर, कहीं आपने मामले को सेटिंग सही तो नहीं कर ली, काबू में तो नहीं कर लिया कि किसी तरीके से राज्य मंत्री के बेटे को बचाया जा सके, गृह राज्य मंत्री के बेटे को? क्योंकि अभी तक आपके द्वारा जो भी कुछ कहा गया, किया गया, आपका सब ऐसा ही लगा है कि आप उनको लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी सामने है, उनके बेटे की गाड़ी सामने है, बेटा दिन रात हर चैनल को बाइट दे चुका है, उसके बावजूद जब पुलिस, तो उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी गाड़ी, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी गाड़ी थी, ये भी उन्होंने बोला है, ठीक है, ये भी उन्होंने बोला है कि मेरी गाड़ी थी और वो लेने के लिए गई थी मंत्री जी को। जितने भी किसानों की मौत हुई है, उनके जितने भी परिजन हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा जो है वो वहां पर था, उसको गिरफ्तार करो। अब देखिए जितने वीडियो आई है, तथ्य को खंगाल रही है पुलिस, प्रशासन अपना काम कर, जब आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, मंत्री जी का बेटा है, इसलिए जांच होगी, खंगाला जाएगा, सालों साल लगती रहेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी। आशीष जी, वो जो मंत्री हैं अजय जी, वो जनता के चुने हुए हैं, कोई ऊपर से टपक के नहीं आए, और जनता निर्णय करने जानती है अच्छी तरीके से। जनता ने चुन लिया तो अब ये सब कतई बढ़ते के, जनता ने चुन लिया तो अब स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए? स्वतंत्र तो आपने भी नहीं है बोलने में, जो हमें आपको यहाँ क्या बैठ के बोलना सिस्टम में उसमें ही बोलना है, स्वतंत्र तो हम आप ही भी नहीं है। स्वतंत्र तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, लाठी से मारने की बात करते हैं, स्वतंत्र तो वो लोग हैं ना, स्वतंत्र तो वो लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, लाठी डंडों से मार देते हैं, स्वतंत्र तो वो लोग हैं, हम थोड़े ना स्वतंत्र हैं। अजय मिश्रा तो अपराधी है, आपने घोषणा कर दी है, अजय मिश्रा को फांसी होनी चाहिए और उनके बेटे को फांसी होनी चाहिए, आप लोग बैठ के निर्णय लेना चाहते कर दीजिए फटाफट। नहीं आरोपी जज के और कोर्ट आरोपी नहीं है, आप उनको आरोपी बोलिए, ठीक है, 302 लगी हुई है, हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा, नहीं बोलूंगा आरोपी, मैं आरोपी नहीं बोलूंगा जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे, मैं आरोपी नहीं बोलूंगा। अरे आरोपी का मतलब क्या होता है? अच्छा आपकी गाड़ी नहीं, आरोपी का मतलब है आरोपी है, तथ्य सामने आएंगे दोषी हो जाएंगे। नहीं नहीं आरोपी देखिए बिल्कुल गिरफ्तारी चल रही है, 58 लोगों के नाम इकट्ठे करे गए, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सुनील बालियान साहब के पास आएंगे लास्ट कमेंट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार, गिरफ्तार होंगे, अरेस्ट होंगे, ठीक है बहुत शानदार, ठीक है जल्दी जल्दी, अब तो 302 का मुकदमा भी दर्ज हो गया, और मुझे बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है ठीक है। और चर्चा की जा रही थी वो ये मुद्दा था कि आखिर अभी तक मंत्री जी के जो बेटे हैं जिनके ऊपर लगातार बातचीत हो रही है, जो लखीमपुर घटना की स्पॉटलाइट में है, लाइमलाइट में है, लेकिन क्यों, आखिर क्यों अभी तक ऐसा है कि मंत्री जी के बेटे हैं इसलिए गुड़मलाई उनके साथ है, कानून उनके साथ है, और सब कुछ उन्हें बचाने के लिए जो पूरा सिस्टम है वो ज्यादा काम करता नजर आ रहा है, बजाय इसके कि जल्दी से गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, और जांच में जल्दी से जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी की जाए, लेकिन इसके बजाय जो जांच प्रक्रिया है उसके सहारे, जांच के सहारे जो चीजें हैं वो धीमी हो चुकी हैं, चीजें जो हैं वो रुक रुक कर काम कर रही हैं, ऐसे में देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, सभी लोग, विदेश से भी इस तरीके के जो सवाल हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिर क्यों किसानों और बीजेपी की जो है रार, उसमें ये मंत्री जी का बेटा कहाँ है फरार, क्या कल इनका बेटा पुलिस के सामने पेश होगा, क्या कल मंत्री जी का बेटा पुलिस के सामने पेश होकर सारी घटनाओं के राज उगलेगा, खोलेगा, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो समय ही बताएगा, लेकिन उनके बेटे को अब पुलिस के सामने आ जाना चाहिए, पूछताछ के लिए पेश हो जाना चाहिए, क्योंकि जो जनता का विश्वास है वो लगातार डगमगा रहा है, ऐसे में बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।